हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। फ्रेंड्स, आज 23 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 22 जुलाई और 23 जुलाई दोनों दिन का जो करंट अफेयर है पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश का। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। देखिए, यहाँ पे हम वही करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो आज भी बहुत सारा करंट अफेयर निकल कर आया है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। यदि आप एमपी पुलिस, एमपीएसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रुप डी, सीटीटी, कोई से भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, सीटीटी और उसके बाद में रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, इन सभी की आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप इसकी जो सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर सकते हैं। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे कूपन कोड ROYJGOV40 को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 40% का पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से जाकर बिल्कुल आप परचेस कर सकते हो और डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो की PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में काजू की खेती की संभावना तलाशी है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो कि काजू की खेती की संभावना तलाशी गई है भारत सरकार के द्वारा, तो कितने जिलों की बात की जा रही है इसमें। तो यहाँ पर ये रहे आपका ऑप्शन, आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर C 4। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 4 जिलों में काजू की खेती की संभावना है तलाशी है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ताकि आपका जो फैक्ट है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो कि काजू की खेती की संभावना तलाशने के लिए भारत सरकार के निदेशक काजू एवं कोको विकास निदेशालय कोच्चि डॉक्टर वेंकटेश एन हब्बली ने छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी जिलों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्रामों का जो कि वहाँ के जो गांव है उनका दौरा किया है। आगे बात करें तो बालाघाट जिले के ग्राम देवरी मेटा में डॉक्टर हुब्बली ने मनरेगा की सेलपर्ण योजना में रोपित काजू के पौधों को देखकर यहाँ की जो बंजर जमीन पड़ी थी उस पर काजू की खेती की बहुत सी संभावनाएं हैं, उन्होंने ऐसा बताया। और उन्होंने बाद में भी बताया है कि भारत सरकार द्वारा काजू की खेती के लिए मध्य प्रदेश के 4 जिले छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और बालाघाट का चयन किया गया है। तो ये आप जिले याद रख लीजिए, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है पूछा जाने की पूरे संभावना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में लखनदूर जो कि बांध है, जो कि लखनदूर नदी है, इस पर कौन सा बांध बनाया गया, ये पूछा है। किस जिले में लखनदूर नदी पर बांध बनाया है? तो ये रहा आपको ऑप्शन, आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर D, शाजापुर। शाजापुर जिले में लखुंदर नदी पर बांध बनाया गया है। अब डिटेल में यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। शाजापुर जिले की लखुंदर नदी पर इस बरसात के मौसम में वर्षा के पहले ही बांध का निर्माण पूरा किए जाने से बांध में जो कि लबालब पानी भर गया है। यहाँ आप देखिए, आसपास के 7 गाँव जादमी, बदोनी, बरवा और बाम नियाखेड़ी, खेरखेड़ी, मीरपुर और तांडा बोर्डी के किसान निश्चित हो गए हैं। क्षेत्र की 595 हेक्टेयर भूमि में जो कि सिंचाई की पक्की व्यवस्था से कृषक जो कि सभी जो किसान है वो बांध बनने से बहुत खुश है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा IMP नहीं है आपके लिए, बस इतना सा याद रख लीजिए आप कि किस जिले में बना है और कौन सी नदी पर ये बना है। तो यहाँ पर आप इतना सा अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से आपका फैक्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? अब मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल आप सभी को आई होप को पता चल गया होगा इनके बारे में। यहाँ पर आपको जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर D, लालजी टंडन। ये जो कि मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं अभी हाल ही में। तो देखिए, यदि आप इनके बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल से संबंधित, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने थे उनसे रिलेटेड वो पूरे उस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर उसकी लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट लिमिटेड ICL द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का सर्टिफिकेट किसे दिया गया? देखिए, ISO का सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो किसे दिया गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर A, बड़नगर। यहाँ पे देखिए, बड़नगर को इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट लिमिटेड ICL का जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का जो कि सर्टिफिकेट इसको दिया गया। अब डिटेल में यहाँ पे थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। तो बड़नगर नगर पालिका परिषद को इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट लिमिटेड ICL द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में आए तो आप आसानी से उसको क्लिक कर आएँ।
बड़नगर को यह सर्टिफिकेट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी दिया गया है। तो क्वालिटी के लिए इसको यहाँ पे जो कि यह जो सर्टिफिकेट है इसको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया में कौन से खेल को शामिल किया गया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये रहे आपको ऑप्शन, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मलखम्ब। जी हाँ, खेलो इंडिया में पहले मलखम्ब शामिल नहीं था, बट अब इसको मलखम्ब को भी इसमें शामिल कर लिया है खेलो इंडिया में। अब डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो खेलो इंडिया जो कि खेलो इंडिया जो भारत में आयोजित होता है, तो उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के राज्य खेल मलखम्ब को केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय खेलो योजना जो कि खेलो इंडिया योजना जो थी उसमें शामिल कर लिया गया है। साल 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने मलखम्ब को राजकीय खेल जो कि घोषित किया था। तो यह आपको याद रखना है कि मलखम्ब को राजकीय जो कि खेल जब कब घोषित किया था, 2013 में किया था। इसी के साथ केंद्र सरकार ने देश के में मलखम्ब के राष्ट्रीय स्तर के 100 सेंटर खोलने का भी निर्णय लिया है और इसमें 10 सेंटर मध्य प्रदेश में खुलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने राइफल शूटिंग के जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? अब देखिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह की बात की जा रही है, इन्होंने राइफल शूटिंग के जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है। तो ये रहे आपको ऑप्शन, आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। जी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने राइफल शूटिंग के जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। अब डिटेल में यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। खरगोन जिले के रहने वाले, ये आपको याद रखना है, आदिवासी क्षेत्र से मतलब रिलेट करते हैं ये, और झिरनिया के रतनपुरा गांव निवासी हैं। 18 वर्षीय ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने राइफल शूटिंग में जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और ये 18 वर्षीय हैं। ऐश्वर्य ने जर्मनी के सहूल में चल रहे 50 मीटर थ्री पोजिशन राइफल शूटिंग में 459.3 पॉइंट हासिल कर गोल्ड मेडल जीता है। आगे बात करें तो हांगकॉन्ग के पेकलर जालान दूसरे व चाइना के झांग चांग होंग जो कि तीसरे नंबर पर रहे। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रख लीजिए ताकि आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। हांगकॉन्ग के जो पेकलर जालान थे उन्होंने दूसरे व चाइना के झांग चांग होंग तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो यहाँ पर रिपीट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, पिछले पार्ट में हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप सभी लोगों के बहुत सारे हमें कमेंट भी मिले थे, बट इसका जो सबसे पहले राइट आंसर हमें बताया वो पीहू प्रियंका जी ने बताया है। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले हमें इस जो कि क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताया, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर शुक्ल। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे रविशंकर शुक्ल, ये आप सभी को आयुक्त पता होगा। देखिए, रविशंकर शुक्ल के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो रविशंकर शुक्ल का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इनके बाद में आगे डिस्कस करें तो 15 अगस्त 1947 से 31 अक्टूबर 1956 तक सीपी और बेरार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सीपी और बेरार दोनों जगह के ये मुख्यमंत्री रहे हैं 15 अगस्त 1947 से, तब जब देश आज़ाद हुआ था, तब से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और 31 अक्टूबर 1956 को जब ये जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तभी इनका देहांत हो गया, फिर निधन हो गया था। तो यहाँ जो कि आप इतना सा याद रख सकते हैं इनके बारे में। आगे भी देख लेते हैं, 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए नए राज्य मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान 31 दिसंबर 1956 को आपका जो कि स्वर्गवास हो गए। देखिए, अपने कार्यकाल के दौरान ही इनका स्वर्गवास हो गया था 31 दिसंबर 1956 को, तो ये आप सभी को याद रखना है। और इनके बाद में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे वो भगवंत राव मंडलोई बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। कि देखिए, यहाँ से डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविशंकर शुक्ल के बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवंत राव मंडलोई। नेक्स्ट बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 2 अगस्त 1877 को हुआ था, ये आपको सभी को याद रखना है, 2 अगस्त 1877। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 31 दिसंबर 1956 को 79 जो कि एज में हुई थी, 79 की एज में हुई थी, ये आप सभी को याद रखना है। और राजनीतिक दल की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, तो यहाँ पर आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं ताकि आपका जो कि यहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। आज का क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आई होप कि आपको सभी को इनके बारे में पता चल गया होगा। तो ये रहे आपको ऑप्शन, आप आसानी से इनको क्लिक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।